कक्षा 9 एक्सरसाइज 1.3। बच्चों पिछले वीडियो में हमने देखा कि यदि हमें एक दशमलव दिया हो 0.6 बार करके और हमें इसको पी बटा क्यू रूप में यदि चेंज करना हो तो हम क्या करते थे, इसको 10 से गुना करते थे और आगे जाकर हमने इसको 6/9 को 2/3 के रूप में एक्सप्रेस किया था। यह पिछले वीडियो में देख चुके हो। आज हम इससे आगे कुछ काम सीखेंगे। ऐसा ही एक प्रश्न है, यदि आपको वो अच्छे से समझ नहीं आया तो आज दोबारा देख लीजिए। ऐसा ही इसका प्रश्न 4 है, 0.99999...... का मतलब आगे 999 लिखे जाएंगे, चलते ही रहेंगे, को p बटा q के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले इसको p बटा q में लिखिए, फिर आप लिखिए क्या आपने अपने क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं, अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। सिंपल सी बात यह कि हमें इसको p बटा q रूप में व्यक्त करना है जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो पहला स्टेप क्या था उसमें, मान लो इसे हम अगर पी बटा क्यू रूप में लिखना तो हम इसे पी बटा क्यू के बराबर मानते हैं, पी बटा क्यू बराबर 0.99999-। और हमने कहा था यदि दशमलव के बाद एक ही चीज रिपीट हो रही हो तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेना है। अब आप देख रहे हैं एक ही डिजिट है, नो नो नो, एक ही डिजिट है जो बार 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 रिपीट कर रहा है। तो इस इक्वेशन 1 को, ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम 1 से गुना करेंगे, सॉरी 10 से गुना करेंगे। इक्वेशन 1 को 10 से गुना करने पर पी बटा क्यू को 10 से गुना करा तो हमारे पास आ गया 10 पी बटा क्यू बराबर। ये जो 0.9999 है इसको जब 10 से गुना करेंगे, ये जो दशमलव है ये एक स्थान राइट की तरफ चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9.99999-। यही हमने यहां लिखा 9.99999-। अब हम अगला स्टेप क्या था, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन, देखिए ये है दूसरी इक्वेशन, ये है पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को माइनस कर देंगे। यह है 10 पी बटा क्यू, इसमें से 1 पी बटा क्यू माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9 पी बटा क्यू बराबर। यहां पर ये देखिए है 9.99999-, और इक्वेशन 1 में था 0.99999-, तो 999-, में से 999-, ये सारे माइनस होके 0 हो जाएंगे, यहां बच गया 9 माइनस 0 यानी 9, तो हमारे पास आ गया 9.000 यानी 9। तो यही हमने 9 यहां पर लिख दिया है, 9 पी बटा क्यू बराबर 9। तो पी बटा क्यू बराबर 9, ये 9 इधर गुना हो रहा था, उधर जाके क्या हो गया बच्चों, भाग, 9 को 9 से भाग करने पर क्या आ गया, 1, क्या आ गया 1। तो पी बटा क्यू बराबर है, नीचे भी 1 ही है, 1/1, 1 को 1 से भाग करो तो आ गया 1। इससे हमें क्या पता चला, हमारे पास जो दशमलव था वो था 0.99999-, ये किसके बराबर आ गया, 1 के। इससे क्या पता चलता है, यदि शून्य के बाद 9999999-, ये लिखते ही जाएं तो ये 1 के बहुत समीप पहुंच जाता है और 1 के बराबर ही हो जाता है। यही हमने लिखा, अर्थात 0.99999-, यदि बढ़ता ही रहे तो वह 1 के बराबर ही हो जाता है। यही हमने इसको पी बटा के रूप में लिखना था वो लिख दिया। और हमें रिजल्ट से क्या पता चला, ये पता चला कि यदि 0.99999-, आगे बढ़ता ही रहे तो वह 1 के बराबर हो जाता है। इसका पांचवा प्रश्न है, ये भी बच्चों साथ ही देख लीजिए, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में, ये थोड़ी सी मुश्किल भाषा में आसान शब्दों में आपको समझाऊंगा, में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। दोबारा देखो, 1/17 का यदि दशमलव प्रसार निकाले, यदि इसका दशमलव प्रसार निकाला जाए तो कितने अंक ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, तो देखो 1/17 में भाजक क्या है, 17, भाजक यानी जिससे भाग किया जाए, भाजक है 17। 17 और दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति में अंकों की अधिकतम संख्या भाजक से कम होती है, तो 17 से कम कितना होता है, 16। इसका मतलब अंकों की भी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16। इसका मतलब यह है कि अंक या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 या 16 हो सकते हैं, लेकिन 17 नहीं हो सकते, जो कि शेष बचेगा। ठीक है, तो हमारा उत्तर आया है अंकों की अधिकतम संख्या 16, क्योंकि यह 17 से कम ही होगा, बढ़ नहीं सकता, बराबर भी नहीं हो सकता। ठीक है, 17 भाजक था तो अंकों की अधिकतम संख्या होगी 16। इसको हमने हल भी करके देखना है,
उन्होंने कहा है कि इसे विभाजन प्रक्रिया से जांच कीजिए अपने उत्तर को। तो मैंने यहां पर एक को 17 से भाग किया, देखो कैसे किया, ध्यान से देखना बच्चों, एक को 17 से भाग किया, पहले लगाया दशमलव तो एक के पीछे लग गया जीरो, लेकिन ये बना 10, 17 के पहाड़े में 10 आता नहीं है, तो मैंने एक और जीरो लगाते यहां पे बन गया 100। 17 पांचे 85, 100 में से 85 निकाला 15, पीछे दशमलव की वजह से लग गया जीरो 150। 17 आठे 136, 150 में से 136 गए 14, पीछे जीरो लग गया 140, फिर से 17 आठे 136, ये रह गया था एक 8 लिखना 40। इस प्रकार से हम इस दशमलव को इस भाग को करते रहे करते रहे करते रहे, ये 70/68 के बाद बाकी बचा था 2, वो 2 मैंने जगह नहीं थी इसलिए यहां लिख दिया 2। तो आपने ये 2 ये वाली जो भाग है ये यहीं पर इसके नीचे लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से करते 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 मैंने देखा कहीं पर भी कोई डिजिट रिपीट, यहां 15 शेष है, यहां 14 शेष है, यहां 4, यहां 6 शेष है, यहां 9 शेष है, यहां 5 शेष है, यहां 16 शेष है, कोई भी शेष रिपीट नहीं हो रहा। यहां 7 शेष है, यहां 2 शेष था, 3 शेष था, 13, 11, 8, 12, 1। यहां आकर हमारे पास एक शेष बचा और मैंने देखा कि एक शेष कहां बचा था, ये शुरू में, ये शुरू में। अब मैं दशमलव लगा, अब यहां पर फिर से यदि जीरो लिखूंगा तो यहां 100 बन जाएगा और फिर से 17 पांचे 85, ये प्रक्रिया दोबारा शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यहां आकर ये डिवीजन फिर से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसका अंत नहीं होगा, फिर से एक आएगा, फिर ये भाग फिर से शुरू हो जाएगा, फिर एक बचेगा, फिर से इतना सारा भाग फिर से। तो आइए हम देखते हैं कितनी संख्याएं हैं जिनके बाद रकम, जिनके बाद शेष रिपीट हुआ। देखो 1, 2, 3, ऊपर 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यही हमने यहां लिखा था कि अंकों की अधिकतम संख्या 16 होगी, जिसके बाद अंकों के पुनरावृत्ति खंड में जो हम बार लगा के लिखते हैं ना, 1/7, 17/12, ये बार इसी को पुनरावृत्ति खंड कहते हैं। इसमें अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 16। ये मैंने लिखा है 1/17 = 0.05882359411, 1147647। इसमें अंकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, ये 16 अंक हैं। तो सिद्ध हुआ कि पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक हैं।